हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVSTG सीरीज चल रही है उसमें हम 10 फर्स्ट फ्लाइट को डिस्कस कर रहे हैं और उसी में से हमने एक पोएम ली है आज, द बॉल। द बॉल के जो MCQs हैं उनको हम आंसर के साथ आज आपको प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात पोएम की कर लेते हैं। पोएम का टाइटल है द बॉल, द बॉल पोएम। क्लियर? तो द बॉल जो पोएम है टाइटल, इसको किसने लिखा है? पोएम को जेफरी आर्चर, जॉन बैरीमन, माया एंगलो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए, अगर ऑथर तो आपको सारे लर्न करने ही पड़ेंगे और यहाँ ऑथर की बात करें तो जॉन बैरीमन जो है वो इस पोएम के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट हैपन टू द बॉयज़ बॉल। लड़के की जो बॉल है उसके साथ क्या घटना घटित होती है, क्या होता है बॉल के साथ? तो द बॉल बेंट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इनटू द वाटर, द बॉल फेल इनटू द ड्रेन एंड वेंट इनटू अ होल और फेल इनटू अ डिच। क्या होता है बॉल के साथ? तो बॉल की अगर बात करें तो बॉल जो है बाउंस करते हुए स्ट्रीट में बाउंस करती है और फिर वो पानी में जा गिरती है। तो स्ट्रीट इनटू द वाटर, ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। वेयर डिड द बॉल एंड अप। बॉल कहाँ एंड हो जाती है? अगर बॉल की एंड की बात करें तो एंड होता है इन अ ड्रेन, इन द वाटर, डिच, होल। तो इन द वाटर आप कहिए, ड्रेन नहीं बल्कि वाटर आप कहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय रिएक्ट। लड़के ने कैसा रिएक्ट किया? द बॉय वॉज शॉक्ड एंड इन ग्रेट ग्रीफ। लड़का शॉक्ड था और ग्रेट ग्रीफ में था। द बॉय वॉज एंग्री, हैप्पी, स्टार्टेड क्राइंग। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। तो द बॉय वॉज शॉक्ड एंड इन ग्रेट ग्रीफ। बच्चा शॉक्ड था और ग्रीफ में था जब बॉल जो है उसकी पानी में जा गिरती है। Why does the poet say that there is no use in saying oh there are other balls? कि इसका कोई मतलब नहीं है इस बात को कहने का कि there are other balls, दूसरी भी balls हैं। क्यों ऑथर इस बात को कहते हैं? Because there were no other balls and because the lost ball had precious memories attached to it. And because the ball was expensive, because the boy didn't like balls. तो यहाँ जो बच्चे के ऑथर के इस बात को कहने का मतलब है वो ये है कि the because the lost ball had all precious memories attached to it. क्योंकि जो बॉल है उसके साथ बहुत सारी जो यादें हैं, बचपन की यादें, वो जुड़ी हुई हैं। Why was the ball so special for the boy? जो बॉल है वो बच्चे के लिए स्पेशल क्यों है? यही रीज़न हो गया कि एक्सपेंसिव, यूनिक, प्रीशियस मेमोरीज ऑफ द बॉय चाइल्डहुड अटैच्ड विद इट एंड इट वाज लिमिटेड एडिशन। तो सी वाला ऑप्शन हुआ आपका, क्योंकि इसके साथ जो है बच्चे के बचपन की बहुत सारी यादें जो है वो जुड़ी हुई है। वाई इज़ बाइंग अनदर बॉल बर्थलेस। ऑथर कहते हैं कि दूसरी बॉल को जो खरीदना है वो बर्थलेस है, मतलब बेकार है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों कहते हैं? बिकॉज अ न्यू बॉल विल नॉट हैव द सेम सिग्निफिकेंस एज द बॉल ही प्लेड इन चाइल्डहुड। क्योंकि जो बॉल नहीं मिलेगी उसको, उसका उतना महत्व नहीं होगा जितना उस बॉल का है जो वो बचपन में खेला। बिकॉज इट वॉज अ लिमिटेड एडिशन बॉल, बिकॉज द बॉय डजेंट वॉन्ट इट एनी मोर, बिकॉज द बॉय इज एंग्री। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर नई बॉल मिल जाएगी तो उसका वो महत्व नहीं रहेगा जो उस बॉल का था। पुरानी चीज़ें होती हैं, आपका लगाव हो जाता है उन चीज़ों से, वो आपके लिए बिल्कुल पर्सोनिफाइड हो जाती हैं, आपकी पुरानी कोई भी चीज़ हो। हाउ डज द बॉय सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़के को अपनी पहली जिम्मेदारी क्या लगती है? फॉलिंग डाउन मेक्स हिम वांट टू गेट अप एंड लूजिंग हिज प्रीशियस बॉल मेक्स हिम अंडरस्टैंड दैट ही शुड टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स and he wants to swim in the river, he needs to study to get a good job. तो obviously देखिए, जब वो पहली जो उसकी बॉल है वो प्रीशियस बॉल खो जाती है तो उसको लगता है कि जो उसकी वस्तु है उनको उसको संभाल के रखना चाहिए। It was the his sense of his first responsibility. Clear? What is the responsibility? Responsibility क्या है? अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स एंड टू लर्न दैट नथिंग इन दिस मटीरियल इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, टू केयर ऑफ हिज टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, टू फोकस ऑन हिज स्टडीज, टू स्पेंड मनी वाइजली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स ये वाला ऑप्शन आपको हो गया। एंड सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। व्हाई डज द पोएट नॉट ऑफर मनी टू द बॉय? पोएट जो है बच्चे को जो पैसा है वो क्यों नहीं ऑफर करते? द पोएट डजेंट हैव एनी मनी, पोएट के पास कोई पैसा नहीं है। ही थिंक्स दैट ए न्यू बॉल वुडंट ब्रिंग बैक द प्रीशियस मेमोरीज दैट वर लॉस्ट विद द ओल्ड बॉल, एंड बॉय नीड टू लर्न द ट्रूथ ऑफ लूजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। बॉल इज एक्सपेंसिव, द पोएट इज अ माइसर। ऑब्वियसली जो पोएट का सेंस है वो ये है कि बच्चे की जब नई बॉल बच्चे को ला के दी जाएगी तो उसको जो प्रीशियस मेमोरी जो उसकी चाइल्डहुड से उस ओल्ड बॉल से जुड़ी हुई है वो तो उसको नहीं मिलेंगी। इसी के साथ साथ बच्चे को ये पता लगे, ये वो जाने कि इस संसार में जो वस्तु है उनको खोने का क्या गम होता है, क्या सच्चाई होती है। क्लियर? तो बी वाला ऑप्शन मेरे विचार से यहाँ ठीक होना चाहिए और आपके विचार से भी। वाट डज इन दिस वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन्स? इन दिस वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का क्या मतलब है? इन ए पजेसिव वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड दैट इज पॉजेस्ड बाय गॉस्ट, इन अ मटेरियल वर्ल्ड, इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का यहाँ जो मतलब है वो ऑथर कहना चाहते हैं कि इन अ मटेरियल वर्ल्ड, एक ऐसा संसार जो कैसा है वो जो भौतिकवादी है। वॉट इज़ द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? जो लड़का है वो जो बॉल का लॉस हुआ है उससे क्या वो समझ रहा है, क्या वो सीख रहा है, क्या सीख है बच्चे के लिए कि नो मटेरियल पजेशन इज परमानेंट, कि कोई भी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो परमानेंट नहीं है। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ प्रीशियस इट, चाहे वो कितना ही बेशकीमती हो, एंड यू हैव टू बी ओके विद लेटिंग को, अगर ये चला जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ही नीड्स टू बाय अनदर बॉल, ही शुड नॉट प्ले ऑल द टाइम, ही शुड फोकस ऑन हिज स्टडीज। तो ऑप्शन हो गया ए वाला ठीक। क्लियर? क्योंकि इसका मतलब है कि बॉल के खोने का मतलब क्या है, कोई भी भौतिक जो वस्तु है कोई भी वो हमेशा के लिए नहीं रहती, इट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। वॉट शुड द बॉल सिम्बोलाइज? बॉल को क्या, वॉट डज द बॉल सिम्बोलाइज? बॉल क्या सिम्बोलाइज करती है? राउंड टॉय, मेमरीज एंड द इनोसेंस ऑफ द चाइल्डहुड, एंड क्रिकेट बॉल एंड फुटबॉल। तो बॉल इज अ सिम्बल ऑफ मेमरीज एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज और जो चाइल्डहुड है उसका इनोसेंस का जो सिंबल है वो ये बॉल है। हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट? बॉल की कितनी कॉस्ट थी? तो ऑथर ने बताई है, इट कॉस्ट 10 सेंट कॉइन। 10 पैसे का जो 10 सेंट का जो कॉइन होता है वो इसकी कीमत थी। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो अब देखिए जो एक डाइम होता है, डाइम क्या होता है? 10 सेंट कॉइन को एक डाइम कहा जाता है। तो इसकी जो कॉस्ट हो गई वो ये वाला ऑप्शन अ डाइम। वॉट डज द पोएट से हैपन्स इन दिस वर्ल्ड ऑल द टाइम? पोएट किस बात को कहते हैं कि संसार में हर समय होता रहता है। पीपल प्ले विद बॉल्स, लोग बॉल्स के साथ खेलते हैं। थिंग्स आर लॉस्ट, पीपल टेक अदर पीपल्स थिंग्स, एंड पीपल गो टू वर्क एंड बॉल्स आर इम्पॉर्टेंट। ऑथर कह रहे हैं कि थिंग्स आर लॉस्ट एंड पीपल टेक अदर पीपल्स थिंग्स। वस्तुएँ खोती रहती हैं और फिर एक दूसरे की वस्तुएँ लोग ले लेते हैं। क्लियर? What do people need to learn in this world in reference to the poem? कि लोगों को किस बात को सीखना चाहिए इस संसार में जो वो पोएम में कहना चाहते हैं कि that they will lose things and have to be okay with it and carry on to learn to be happier, to learn to love each other, to be playful. तो ऑथर का कहने का मतलब है कि people should learn दैट दे विल लूज थिंग्स एंड हैव टू बी ओके, कि अगर वो वस्तुओं को खो देंगे तो उन्हें कोई टेंशन उसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इनका मीनिंग क्या है, करेक्ट वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, क्या मीनिंग इनके हैं। तो मैरीली मीन्स, देखिए सबसे पहले है मैरीली, मैरीली होता है खुशी के साथ, यानी इन ए चीयरफुल वे, इन ए सोरोफुल वे, एंग्री वे, डिप्रेस्ड वे। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन हो गया इन ए चीयरफुल वे। बाउंसिंग की बात करें तो बाउंसिंग क्या होता है? बाउंसिंग होता है फ्रेंड्स उछलना, जब बॉल आपकी बाउंस हो जाती है। मूविंग, जंपिंग क्विकली आफ्टर बीइंग हिट, मूविंग स्लोली, मूविंग साइडवेज, जंपिंग इनटू वाटर। तो ए वाला ऑप्शन आपको सही मिला। और बढ़ते हैं, शेकिंग ग्रीफ मीन्स। शेकिंग ग्रीफ का क्या मतलब होता है? शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैड, नॉट अफेक्टेड बाय ग्रीफ, ओवरवेलम्ड बाय विद ग्रीफ एंड शेकिंग। अगर शेकिंग ग्रीफ की बात करें, ओवरवेलम्ड विद ग्रीफ, ये हो गया आपका ऑप्शन। एंड फिक्स्ड इन हिज स्पॉट मीन्स, फिक्स्ड इन हिज स्पॉट यानी अपनी जगह पर फिक्स्ड हो गया, अर्थात इन द सन बास्किंग इमोबाइल स्पॉट। तो इमोबाइल ये ऑप्शन हुआ। एंड रिजिड की बात करें, रिजिड क्या होता है? अनएबल टू बेंड और बी फोर्स्ड आउट ऑफ शेप एंड वेरी फ्लेक्सिबल, लूज एंड सॉफ्ट। तो रिजिड हो गया फ्रेंड्स, अनएबल टू बेंड और बी फोर्स्ड आउट ऑफ शेप। अनएबल टू बेंड होता है रिजिड, दृढ़ यानी। और ट्रैम्बलिंग की अगर बात करें, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग और क्विवरिंग, प्लेइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रनिंग फास्ट। तो ट्रैम्बलिंग हो गया शेकिंग और क्विवरिंग, कांप जाने को ट्रैम्बल आप कहते हैं। एंड स्टेयरिंग डाउन मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, लुक एट विद फिक्स्ड आईज, लुक एट द स्टार्स, स्टार्स लुकिंग डाउन एंड स्टार्स फॉलिंग डाउन। अगर बात करते हैं स्टेयरिंग डाउन की, तो लुकिंग एट द फिक्स्ड आइज, जब आप फिक्स्ड आइज से यानी आप कहीं गेज करते रहते हैं तो उसको आप स्टेयर कहते हैं, स्टेयरिंग। हार्बर मीन्स, हार्बर क्या होता है फ्रेंड्स? हार्बर होता है आपका कोई बंदरगाह जिसको आप कहते हैं, यानी वाटर, बिस्किट, रिवर, पोर्ट। तो पोर्ट आपका ऑप्शन हो गया। इंट्रूड होता है फ्रेंड्स, क्या होता है जरा बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, तब तक मैं ऑप्शन पढ़ूँ चारों। पुट वन सेल्फ डेलिबरेटली इनटू अ प्लेस और सिचुएशन वेयर वन इज अनवेलकम और अनइनवाइटेड, स्टे अवे फ्रॉम द सिचुएशन, गो टू द प्लेस विद इनविटेशन, नॉट एक्सेप्ट एन इनविटेशन। तो इंट्रूड होता है फ्रेंड्स घुसपैठ कर देना, क्लियर? यानी पुट वन सेल्फ डेलिबरेटली इनटू अ प्लेस और सिचुएशन वेयर वन इज अनवेलकम और अनइनवाइटेड, यानी जहाँ आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है वहाँ आप क्या होते हैं, आप ज़बरदस्ती वहाँ घुस जाते हैं, तो उसको आप कहते हैं इंट्रूड। और एक वर्ड आता है घुसपैठिया, जिसको आप कहते हैं इंट्रूडर, क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अ डाइम मीन्स। डाइम का क्या मतलब होता है? यानी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंस एंड कोइन को आप कहते हैं अ डाइम। और वर्थलेस क्या होता है फ्रेंड्स? वर्थलेस होता है आप कह देते हैं जिसकी कोई वैल्यू ना हो, यानी गुड क्वालिटी, हैव नो रियल वैल्यू और यूज़, वेरी यूजफुल, वर्थ द टाइम। तो बी हो गया, हैव नो रियल वैल्यू और यूज़, वर्थलेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? कि द स्टेट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग एंड बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल ड्यूटीज, रिस्पॉन्डिंग टू पीपल एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू पीपल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? द स्टेट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग, क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एंड आप बात करते हैं पजेशंस की, तो पजेशंस क्या होता है? पॉजेस करना किसी चीज़ को, क्लियर? यानी समथिंग दैट इज ऑन्ड और पजेस्ड, नॉट ऑन्ड बाय एनीवन, नॉट ऑन्ड एनीथिंग और बीइंग फ्री। तो समथिंग दैट इज ऑन्ड और पजेस्ड, कि ऐसी कोई वस्तु इसको जो आपके पास है वो पजेसन, क्लियर? एंड डेस्परेट क्या होता है? हैविंग अ ग्रेट नीड और डिज़ायर फॉर समथिंग, नॉट हैविंग एनी नीड एंड बीइंग सोरोफुल एंड बीइंग हैप्पी। तो डेस्परेट होता है फ्रेंड्स हैविंग ए ग्रेट नीड और डिज़ायर फॉर समथिंग, जब आपको होती है तब आप कहते हैं डेस्परेट। एंड एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अनएबल टू बैंड और बी फोर्स्ड आउट ऑफ शेप एंड समथिंग दैट इज ऑन्ड और पजेस्ड, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड हैविंग ए ग्रेट नीड और डिज़ायर फॉर समथिंग। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है आपकी एपिस्टेमोलॉजी। Name the literary device used in "And no one buys a black बॉल बैक। क्या ऑप्शन है, देखिए लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर क्या है, नो वन बाई ब्लॉक ब्लैक और बैक, ए बॉल बैक। तो ओब्वियसली आपको बी की रिपीटेशन आपको मिल गई, देखिए बी बी बी। तो ओब्वियसली यहाँ आपका जो ऑप्शन हुआ लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो एलिट्रेशन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉय प्लेइंग विद, लड़का किसके साथ खेल रहा है। तो लड़का खेल रहा है क्या है, बॉल के साथ खेल रहा है। लेटर द बॉल वेंट इन टू दाल, बॉल कहाँ चली जाती है भाई, गार्डन रिवर स्ट्रीट एंड हाउस। तो फ्रेंड्स कहाँ चली जाती है, गार्डन रिवर स्ट्रीट हाउस। तो यहाँ तो ऑथर ने पानी में कहा है भाई, पानी में चली जाती है। अब देखिए क्या रिवर ऑप्शन ही नहीं है, वाटर, तो चलिए रिवर को यहाँ टिक कर दीजिए, गार्डन हाउस स्ट्रीट कुछ नहीं है। क्लियर। हियर द बॉल सिम्बोलाइजेज इन द पोएम, यहाँ बॉल किस चीज़ को संबल किस चीज़ का संबल है, होप सिंपल टॉय फॉर प्ले ड्रीम्स एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो बॉल जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है चाहे बचपन की मेमोरीज को। नाउ द बॉय शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, लड़के को किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ जानी चाहिए, टेकिंग केयर गिविंग वैल्यू लविंग एंड गिविंग बर्थ। तो लड़के को क्या जिम्मेदारी आनी चाहिए अब, टेकिंग केयर, कि किस तरह से वो अपनी वस्तुएं हैं उनका वो ध्यान रखे। एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग, पोएट के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या सीखना है, टू बी अ लॉस को सहन करना, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स वस्तुओं को के टेक केयर करना, टू बी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना, केयरफुल होना। तो लड़के को सीखना है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, कि किस तरह से जो वस्तु हैं उनका हम क्या करें, उनकी जो देखभाल है उसको करें। क्लियर। डज द पोएट कंडोल द बॉय, क्या जो पोएट है वो लड़के को कंडोल करता है, लड़के को जो वो कंसोलेशन देता है। कांट से यस नो ऑल ऑफ देम, नहीं वो बिल्कुल भी बच्चे को कंडोल नहीं करता है पोएट। Why does the poet decide not to condole the boy? क्यों डिसाइड कर लिया उसने कि लड़के को वो कंडोल नहीं करेगा। He is busy, he is indifferent, it will be of no use and he is happy. तो उसने डिसाइड क्यों किया, उसे लगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, it will be of no use, इसलिए वो बच्चे को कंडोल नहीं करता, कोई सांत्वना नहीं देता। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज merrily bouncing down the street and then merrily over। तो देखिए यहाँ merrily और merrily bouncing down the street and then merrily over, तो क्या आपको एनाफोरा नहीं मिला क्या। देखिए तो मेरे विचार से तो यहाँ फिगर स्पीच यहाँ जो मिली वो मिली आपको एनाफोरा। क्लियर। एंड द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट ए बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज, पोएट एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी क्या खो दिया है, अपनी ओबियसली बॉल को खो दिया है। और ये 41 जो क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स लेसन पर जो MCQs हैं वो आई होप समझ आए होंगे, और नहीं आए कि नहीं आए कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और तैयारी आपकी कैसी चल रही है।